हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. और होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सुबह के बज रहे हैं 10:30 और आज है वीकेंड, यज्ञ का हॉलीडे सैटरडे और यज्ञ इज हियर. यज्ञ को आज मैं बॉटल से पानी भरवा रही हूँ, पानी बॉटल में पानी भर के प्लांट्स को पिलवा रही हूँ. ने बोला हम दोनों ये चीज करेंगे तो ही इज डूइंग इट. पूरा एक एक बॉटल, एक एक प्लांट को. ओके, चलो जाओ लेकर आओ. टप टप हो या एक तो इसका ये काइंड ऑफ भोजपुरी एक्सेंट मुझे तो पसंद है. होइया होइया बोलता है. एनीवेज, मेरी पूजा अभी तक बाकी है. 10:30 बज रहे हैं, मेरी पूजा भी नहीं हुई है. क्योंकि मैंने सोचा था मैं आज यज्ञ को भी पकड़ के पूजा करने बैठाऊंगी, पर आज यज्ञ पापा ही पापा कर रहा है. पापा आएंगे, पापा आएंगे. इतना पेशेंटली इसने सीख लिया है पानी भरना बॉटल में. सी, क्योंकि क्या फुल फोर्स से आता है पानी तो पानी निकल जाता है बॉटल से. I like it, यज्ञ. Very good. फिर भी तो निकल गया. हमारे पाता थी होती इन तो तोड़ती ना पाता है. इनको धोक देना पड़ता है प्लांट्स को. हाँ. कैसे पर? पाजी. भगवान जी होते सारे प्लांट्स. Very good, यज्ञ. सबको धोक दे रहे हो पानी पिलाते पिलाते. हाँ. तब तो तोड़ती ना पाता है. सबको धोक देना पड़ता है. Very good. पानी पिलाते थे. लाइफ में पेशेंस ही सब कुछ होता है मुझे ऐसा लगता है. तो मैं ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ सो दैट कि बच्चे थोड़ा पेशेंस सीखे. क्योंकि मेरे तक अंदर पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है. तो मैं चाहती हूँ यज्ञ ऐसे धीरे धीरे करके पेशेंटली हर चीज़ को हैंडल करे बस. तो मैंने इसको ये बोला करने को. यज्ञ अभी बोल रहा था और यज्ञ फिर बोल के बताएगा. यज्ञ बोल के बताना. ओ फॉर क्या होता है? जोर से. ऑक्टोपस. और ऑक्टोपस मींस ऑक्टोपस. और ये भुट्टे के लिए एक्साइटेड मेरा बच्चा इतनी स्पीड से और इतनी खुशी से भाग रहा है. आपके पास मोर नहीं था? ये कैबेज. हाँ. क्या बोलते हैं उसको? कैबेज नहीं था. तुम खाओगे? नहीं. तो फिर नहीं लूंगी. ये रहे सर्दियों के पहले अमरूद. बड़े भी अच्छे हैं. मतलब बहुत से अमरूद ऐसे भी आते हैं जो बड़े बड़े बहुत होते हैं पर टेस्ट लेस होते हैं लिटरली. पर ये वाला बहुत अच्छा है. और ये जो अमरूद खाने का मजा है वो धूप में सबसे ज्यादा आता है. मेरी मेमोरीज भी इतनी अच्छी है ना, जब मैं छोटी थी तो हम सब धूप में बैठ के अमरूद खूब खाते थे. सर्दियों का मजा ही कुछ और होता है धूप में बैठने का. एंड यज्ञ इज स्लीपिंग. और सबसे फनी बात ये कि अपने जो एनिमल्स होता है ना अपने हाथ में रख के सोता है और ये राइनो ऐसे ऐसे लेके सो रहा है और उसके साथ में उसका चीता भी पड़ा हुआ है. ये रहा मेरा लंच. और लंच में मम्मी मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी लाई थी और आके गरम गरम पूड़ी भी बना दी. अब तो पापा या मम्मी नहीं आज आई थी, दीदा भी नहीं आज थी. क्या नहीं यम्मी लगता बेटा? जी बाप तो स्ट्रॉबेरी था हमें अच्छी थी. स्ट्रॉबेरी यम्मी लगती है? स्ट्रॉबेरी में रेनबो मिक्स था क्या होता. बट आई लव स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. वेरी. तुम्हें भी पसंद है? मैं तापती मिक्स था तो रेनबो आइसक्रीम बनाना क्या होता. सबकी मिक्स करके रेनबो आइसक्रीम बना दोगे? क्या क्या मिक्स करोगे? तो यज्ञ रात के कितने बज रहे हैं? टीवी टीवी
टीवी तो चलाऊंगी, पहले बताओ तो क्या टाइम हो रहा है। ताली वाच पंच। गाइस रात के बज रहे 10 और टीवी। आज हम दोनों ही दिन में ऐसा ढेर होके सोए हैं। पापाया। फिर से नींद आ रही है। सो डिनर वगैरह हो चुका है और यज्ञ का भी हो गया है, तो बस कल संडे है। यज्ञ कल क्या है? यज्ञ ने खुद पहना है लोअर सी, तो ये यज्ञ ने उल्टा वाला लोअर पहना है। मुझे उल्टा नहीं पहनता है। पर तुमने ही पहना है, उतार के सीधा कर देती हूँ। उतार के सीधा करो। ओके एवरीवन, तो ये रही मेरी ग्रीन टी और मैं ग्रीन टी पी के सोने वाली हूँ। और यज्ञ का टीवी भी अब बंद होने वाला है और हम दोनों ही सोने वाले हैं। अच्छा तो कल क्या है ये तो बता दो सबको। संडे बंद होएगा। बंद होएगा क्या? बंद होएगा स्कूल। क्या करेंगे? प्रिया पंचिन में तो प्रिया पंचिन स्टॉपे चिन पहले अपन तीन स्ट्रॉबेरीज डालेंगे। पर रेनबो शेक में तो अपन को ग्रीन फ्रूट, येलो फ्रूट, रेड फ्रूट, ब्लू फ्रूट, एवरी कलर अपन को डालना पड़ेगा। तो फिर अपन क्या क्या डालेंगे? मम्मा बीता अब तो तबाट पी जा रहा है। उस पियो भाई तो चौथी भाई पियो ही तो जाइस पीम की थी उस चौपा पी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे टू ऑल। ये रहा यज्ञ का दूध। यज्ञ इज हियर। ए गुड मॉर्निंग। एक बार गुड मॉर्निंग। हरे महादेव। हरे बजे। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। टीची टोची आए टच। बच्चे इतने नौटंकी होते हैं ना। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू दर्श। एंड पूजा मेरी हो गई है, यज्ञ नहाने गया है और यज्ञ नहाने की तैयारी कर रहा है एक्चुअली। बस फिर हम आके वापस वही बॉटल से पौधों को पानी पिलाएंगे सो दैट वो थोड़ा पेशेंस सीखे लाइफ में। उसको मैंने बोला है अपन पौधों को पानी पिलाएंगे बॉटल्स के थ्रू। सो मम्मी पोहे बना रही है मेरी। ये है मेरी बचपन की यादें, यमी यमी पोहे। ये यज्ञ का पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, उसको पिज़्ज़ा खाना था पर वो चीज़ खाता ही नहीं है, उसको ज़बरदस्ती चीज़ डलवानी होती है और चीज़ मेरे को खानी पड़ती है। किस भी कर दो यार छोटू सा, मम्मा भी कर दे तुमको। मम्मा ने बड़ा सा क्यों आले पाद वाच थी भाई दोनों वाच थे। दोनों हाथों से कैसे करेंगे? तो मैं फोन कैसे पर पावर। कैसी वाली पावर आई? हेल्दी फूड स्टार्ने माय पावर। हेल्दी फूड्स क्या खाए सुपरमैन ने? टाटा पी होती और रोटी फन पी हेल्दी फूड पीता है मोटी ताया बहुत स्टार्न होता है। बहुत सारी पावर आ गई यार इसमें तो। कैसे लिफ्ट कर रहा है वो जेसीबी? जेसीबी तुम कर सकते हो, तुम बताना तुम्हारे अंदर है पावर। मेरे अंदर वेरी गुड, बट तुम तो हेल्दी फूड्स खाते ही नहीं हो। क्यों? आप तुम्हारे काम की बात पूछी तो तुमने बात पलट दी। बहुत तुम बच्चे इतने से इतने शाने। सुपरमैन में तो है पर तुम में है कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? यो I'm astound. One, two, three, four, five, six, seven, eight. तो पर मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। एक्सरसाइज भी कर पाते हैं। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
वेरी गुड. और कैसे करते हैं एक्सरसाइज? ऐसे करते हो? और इस पे बहुत पावर आता है. इतना इतनी सारी पावर आ गई? अरे गजब. इस पे बहुत पावर आता है. और यार You have the power. गुड इवनिंग गाइस. प्लान तो हमारा था यज्ञ को उठा के मैं सनसेट देखती, बट सडनली हमारा घर पे इमरजेंसी विजिट हो गई आज, क्योंकि मैं ये वाली टॉफी खा रही हूँ बाय द वे, और यज्ञ को भी खानी है अब. सो मोटर की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस कारण से हम फटाफट भागे हैं और अब वापस जा रहे हैं. क्या बस आए हुए 5 मिनट ही हुए हम फिर जा रहे हैं, क्योंकि घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए हम फटाफट और भाग रहे हैं. तैयारी भी करनी है छोटी मोटी. सो यज्ञ मम्मी ने आते ही फटाफट रेडी कर दी ये आलू की टिक्की, साथ में उन्होंने रेडी करी इमली की चटनी, ये ब्यूटीफुल एंड यम्मी ग्रीन चटनी, एंड दे आर हियर. चलो, मैं रेडी हूँ. हाय रिधान, तो बड़ा हो गया. हेलो जीजू, खुश रहो. हर्षु नहीं, रिधान भैया ही. भैया है बेटा, भैया. ओ बाप रे, फाइनली दिन आ ही गया है जीजू. पानी तो बह रहा. मम्मी बता रही है कि जो घर पे दिक्कत हुई मोटर को लेके, वो तो वरना आंटी को कैसे पता चलता. आधा घंटा टंकी चली है. नहीं, टैंक खाली हो गया. टैंक भी इस पे लगा, उससे था अपनी. क्यों ना हंसे, पूछो मम्मा से क्यों ना हंसू. मुझे भी सब खरगोश कहते हैं. ये दीदी है, ये बहुत छोटी, और ये जीजू है, और ये है मेरी जिया की बेस्ट फ्रेंड, और ये जीजू है. मेरी जिया की इतनी. हाँ मतलब मेरी तो है ही फिर. और दीदी यज्ञ के लिए दीदी. लैपटॉप ओपन बेटा. नहीं नहीं, आप दोनों मिलके करो, उसको तो आ ही नहीं रहा. साथ में बैठ के भैया से सीखो तो. नहीं, तो नहीं हुआ. आप खुद कर रहे थे ना, करो ना, उसको क्यों कर रहे बेटा. भैया और नाश्ता. मम्मी ने टिक्की वाले छोले भी बना दिए, और साथ में जो टिक्की एक बार बनने के बाद नेक्स्ट टाइम ये अच्छे से सेकनी होती है, कड़क करनी होती है, मैं वो कर रही हूँ, और डिनर इज रेडी टू सर्व. अभी दो करनी है बढ़ने के बाद, नहीं तो तीन. हाँ वो समझ गई, उसको डुबो रहा होगा ना. लग रही है. मैं खिलाऊं? नहीं मैं खिला सकती हूँ, जब मैं आपको इस पर नीचे रख दूँ. आंटी यम्मी है इसको, सीरियसली. के एवरीवन, तो रात के बज रहे हैं 11:30, और अब हम सोने वाले हैं, और दीदी और जीजू चले गए थे 10:30 के करीब. फिर बाकी का सारा काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो सब क्लीनिंग एंड ऑल डन करके. और अभी ताता मार दिया आज मैं उनकी तब के पास. आज तो यहाँ पे वो पास आता है तो मापा हॉल में, तो आप जंप कर रहे थे ना बेड पे टाइगर भैया के ऊपर. आप अगर बेड से गिर जाते तो मैं आपके पास पहुंच नहीं पाती टाइम से, तो बेटर था कि आप मेरे सामने जंप करते, तो आपके गिरने के चांसेस नहीं रहते, समझे, इसलिए आगे रख दिया. यज्ञ को कुछ याद आ गया था. मम्मी
वापस बोलो क्या? ओके बेटा, वहाँ पर आता है। हाँ वहाँ पर ही रख दिया ना। तो गाइज मेरा व्लॉग भी यही एंड होता है और दीदी को छोले टिक्के एज यू कैन सी बहुत अच्छी लगी, तो थैंक्स टू मम्मी, ये मम्मी का ही आइडिया था। और छोले के साथ ये जो सूजी के प्लेन वाले चीले होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी वाला ऑप्शन रहता है। मुझे तो लगा था सिर्फ भटूरे ही अच्छे लगते हैं, बट वो सूजी वाले चीले भी बहुत अच्छे लगे मुझे तो। पापा, तो कभी ट्राई कर सकते हैं वो भी। तुमने पेंटिंग नहीं करा? तो उसको ही वॉन्ट्स अटेंशन। वैसे इस वीकेंड पे मैंने सोचा था कि मैं दोनों टाइम यज्ञ को सनराइज़ और सनसेट दोनों दिखाऊंगी, बट ना सनराइज़ देख पाए हम दोनों साथ में और ना सनसेट देख पाए। दोनों टाइम यज्ञ शाम को सो ही रहा था दोनों दिन, और इसको उठाने के चक्कर में मैं भी सो जाती। तो आज तो खैर हमारी इमरजेंसी विज़िट हो ही गई थी, बाकी कल तो मैं बहुत लेट उठी थी, मैं 6 बजे उठी थी शाम को, यज्ञ भी मेरे साथ ही उठा था। तो फिर कभी ट्राई करूँगी मैं कल, शायद अगर ये अभी सो जाता है तो जल्दी उठेगा तो सनराइज सनसेट दोनों देखेंगे। तो गाइज मेरा व्लॉग भी यही एंड होता है। आपको व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ओके गाइज, गुड नाइट, चूज़, टेक केयर।